हेलो एवरीवन, एसएससी दिल्ली पुलिस हेड कॉन्स्टेबल एडब्ल्यूओ और टीपीओ सीबीटी एग्जाम एडमिट कार्ड जारी कर दी गई है। इस फॉर्म जिसका लेटेस्ट अपडेट 13 अक्टूबर 2022 को आपको ऑफिशियल वेबसाइट में नोटिफिकेशन के रूप में आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें टोटल वैकेंसी 857 थी और इस एग्जाम का स्टार्टिंग डेट फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन 8 जुलाई को ये फॉर्म जारी करी गई थी एसएससी की तरफ से और लास्ट डेट इस फॉर्म की 1 अक्टूबर 2022 को रखी गई थी। इसी के रिगार्डिंग आज 13 अक्टूबर को इस सीबीटी के एग्जाम डेट की स्टेटस या फिर एडमिट कार्ड आप लोग के लिए जारी कर दी गई है, जिसका एग्जाम आपको 27 और 28 अक्टूबर 2022 को होना है। तो ये अभी ईआर जोन का आप देख सकते हैं, यहाँ पे ईआर जोन का आपको लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है, जहाँ पे आप अपने स्टेटस देख सकते हैं, आपका एग्जाम सिटी आप देख सकते हैं और आप उसके अकॉर्डिंग अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको आप इसके रिगार्डिंग आपको टिकट कर सकते हैं। आप वेबसाइट में जाकर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लिंक में ओपन करके आप अपने लॉगिन आईडी करके और डेट ऑफ बर्थ अप्लाई करके आप इसमें अपने स्टेटस को देख सकते हैं कि आपकी एग्ज़ाम कहाँ पे पड़ी है। आप एग्ज़ाम को देखकर आप अपने प्लान को स्टार्ट कर सकते हैं। आपको बता देना चाहता हूँ कि एसएससी दिल्ली पुलिस हेड कॉन्स्टेबल वायरलेस ऑपरेटर की ये वैकेंसी जो है 857 वैकेंसी जारी की गई थी और ये 13 अक्टूबर की लेटेस्ट नोटिफिकेशन है और इस पोस्ट के लिए जो स्टार्टिंग डेट रखी गई थी वो 8 जुलाई को जारी करी गई थी और लास्ट डेट इसके लिए 1 अक्टूबर को जारी किया गया था। तो इसी के रिगार्डिंग आपके लिए 857 पोस्ट के लिए एडमिट कार्ड या फिर स्टेटस आप लोग के लिए जारी कर दिया गया है। आप अपने डेट ऑफ बर्थ और रजिस्ट्रेशन आईडी लॉगिन करके आप आसानी से आप लिंक दिए हुए लिंक पे आप क्लिक करके अपने लॉगिन आईडी करके आप अपने एग्जाम सिटी आप देख सकते हो। एग्जाम सिटी देखने के बाद आपको एक हफ्ते के पहले जिस समय आपको एग्जाम होना है यानी कि 20 तारीख को आप इसके एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। अभी तो फिलहाल आपकी ईआर जोन के लिए सिर्फ जारी करी गई है, लेकिन कुछ समय के बाद ये सारे जोन जितने भी जोन एसएससी के 4-5 जोन हैं सभी के लिए जोन धीरे धीरे आपको जारी कर दिए जाएंगे और आप अपने लॉगिन आईडी करके आप देख सकते हैं। तो चलिए लॉगिन आईडी करके मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और आपको लिंक आप टेलीग्राम लिंक में भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहाँ पे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन जितने भी एग्जाम से रिलेटेड पीडीएफ्स होते हैं आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे, आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। इसके लिए मैं अपने टेलीग्राम चैनल में लिंक शेयर कर दिया हूँ, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके आप भी वहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें ताकि आपको यहाँ पे पीडीएफ सारे मिल जाएगा। आपको यहाँ पे देखिए आपको लिंक यहाँ पर प्रोवाइड कर दी गई है, एसएससी ईआर हेड कांस्टेबल असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर टेली प्रिंटर ऑपरेटर इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2022 स्टेटस आउट। अब इस आप यहाँ पे आप क्लिक करके आप अपने डेट ऑफ बर्थ रजिस्ट्रेशन आईडी लॉगिन करके आप आसानी से आप लॉगिन कर सकते हो। आपको चलो मैं ओपन करके दिखाता हूँ। हाँ तो ओपन हो गई, आप देख सकते हैं हेड कांस्टेबल एडब्ल्यूओ टीपीओ इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2022 के लिए नो योर स्टेटस। अभी आप सिर्फ स्टेटस देख सकते हैं। आप ऊपर के कॉलम में आप यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन आईडी लॉगिन कर सकते हो या फिर अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन आईडी नहीं है, रजिस्ट्रेशन आईडी आपको कहाँ मिलेगा, आप जब फॉर्म भरे होंगे तो उसके जब प्रिंट आउट करवाए होंगे तो उसमें आपको रजिस्ट्रेशन आईडी मेंशन किया हुआ होगा। अगर आप उस फॉर्म को प्रिंट आउट नहीं करवा सके थे तो आप अपना कैंडिडेट्स नेम या फिर डेट ऑफ बर्थ से भी आप स्टेटस को देख सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको ये नंबर्स कुछ डालने होंगे, फिर आपको नेक्स्ट बटन दबाने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ ये स्टेटस शो करेगा कि आपका एग्जाम कितने तारीख को है और आपका किस सिटी में एग्जाम आपका हुआ है। वेल प्रिपेयर होंगे, आशा करता हूँ कि आप सभी का एग्जाम प्रिपरेशन बहुत अच्छा से होगा, आप अच्छे से एग्जाम दें और कोई ना कोई आप एक पोस्ट जरूर लें। और आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए और इन्फॉर्मेशन के डिफेंस की सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। समय समय पर आपको इसके रिगार्डिंग आपको वीडियो देखने को यहाँ पर मिलेंगे। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।